उत्तर प्रदेश यानी गन्ने की खेती वाला प्रदेश। जिसे पूरे देश में गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। हालांकि यहां जब भी गन्ने का नाम लिया जाता है तो मिल से प्रताड़ित किसानों के चेहरे और भुगतान ना मिलने की समस्या ही सबसे ऊपर नजर आती है। इन सब परिस्थितियों के बीच भी कुछ किसान ऐसे हैं जो लीक से हटकर कुछ कर गुजरने की जुगत में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कलान गांव निवासी युवा किसान करणजीत सिंह धालीवाल, जो कि अपने पिता के साथ मिलकर हाईटेक तकनीक से खेती करने में जुटे हुए हैं। जिन्होंने हाल ही में करीब 31 फीट लंबा गन्ना उपजाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए। गन्ने की खेती में बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करने और बम्पर पैदावार लेने के चलते करणजीत को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 7 से 8 साल से मैं और पापा मिलके बहुत ही अच्छी गन्ने की खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छी कर रहे थे, मगर और उससे ज्यादा अच्छी करने का प्रेरणा हमें मिली है। हमने क्या किया है, गन्ने के कुछ पीसेस अपने नल के पास लगाए प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम्पल के लिए। उसमें हमने फर्टिलाइजर डोजिंग की, मगर जैविक काम बहुत ही ज्यादा उसमें किए, यानी कि जैविक उर्वरक चीजों की हमने उसमें यूसेज सबसे ज्यादा करी। रिजल्ट हमें धीरे धीरे उसमें मिलने लगे बहुत अच्छे। हम उस चीज पे और अच्छे से काम करना शुरू किया। वो काम करते करते वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का गन्ना तैयार हो गया, 31 फीट ऊंचा। गन्ने की तकनीकी खेती से पूरे देश में अलग पहचान बनाने वाले करणजीत आज पहले के मुकाबले उतने ही खेतों से 3 गुनी उपज ले रहे हैं। पहले जहां प्रति एकड़ 500 क्विंटल की पैदावार से संतोष करने वाले करणजीत आज मेहनत और तकनीक के दम पर इतने ही खेतों से 1500 क्विंटल उपज ले रहे हैं। लगभग 40 से 45 हजार गन्ने के पौधे हमें तैयार करने पड़ते हैं पर एकड़ में अच्छी उपज लेने के लिए। अगर हमने 40 से 45 हजार गन्ने के पौधे अगर तैयार कर लिए और एक गन्ना हमने 40 हजार पौधों में एक गन्ना अगर हम 1.5 किलो का बना लेते हैं तो लगभग 650 की एवरेज हम पर एकड़ आराम से ले सकते हैं। करणजीत ट्रेंच तकनीक से गन्ने की खेती करते हैं। जिसमें प्रति एकड़ खेत की बुआई के लिए 10 क्विंटल बीज की जरूरत पड़ती है, जबकि पुराने तरीके से खेती करने पर बीज की मात्रा प्रति एकड़ 40 क्विंटल के करीब होती है। गन्ने की रोपाई के लिए बीजों को उचित दूरी पर लगाया जाता है। ऐसे में इस तकनीक से खेती में खर्च कम आता है, साथ ही बढ़ती है आपकी उपज। ट्रेंच विधि जो है बहुत ही कारगर विधि है, जिसमें हम लोग सिंगल आंख या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, ऊपर की तरफ को करके आंख का टुकड़ा रखा जाता है, जिसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। जर्मिनेशन अगर अच्छा आता है तो हम बड़े आराम से 1 एकड़ में अच्छी फसल ले सकते हैं। जब करणजीत ने इस तकनीक से गन्ना लगाना चालू किया तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और पिता के साथ से जो परिणाम मिले उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। करणजीत के पिता के मुताबिक इस तकनीक से उपज 2 से 3 गुनी हो जाती है। 4.5 फीट की दूरी रखनी पड़ती है हमें गन्ने से गन्ने की, लाइन से लाइन की। पौधे पर्याप्त स्वस्थ अच्छे होने चाहिए जिससे कि हम उपज अपनी अच्छी ले सकते हैं। अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो कोशिश करें उसमें से 5 से 10 क्विंटल गोबर की खाद मिला के उसमें जरूर डालें, ताकि हम अच्छे तरीके से उसमें उत्पाद ले सकें। करणजीत बताते हैं कि वो अपने खेतों में केवल जैविक उत्पाद या गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फसलों को कोई नुकसान नहीं होता और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है।
इस समय मानना है कि हम उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है, हमारी किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। उपज बढ़ाने के दो सबसे अच्छे तरीके हैं, एक खर्च कम किया जाए, दूसरा उत्पाद ज़्यादा बढ़ाया जाए। दोनों चीज़ें एक साथ संभव कैसे हैं करनी, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम जैविक खेती की तरफ ज़्यादा जाते हैं, रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें बगैर कम करें, और जैविक चीज़ का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैविक खादों का प्रयोग हम बड़े ही आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट घर में एक जानवर या दो जानवर हम पाल के कर सकते हैं। उनके उनका जो गऊ मूत्र है, गऊ का गोबर है, उसे हम प्रयोग करके अच्छी फसल बनाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम हो सकते हैं। करणजीत आज गन्ने की उन्नत खेती से खुद तो लाभ ले ही रहे हैं, साथ ही वो अनेकों किसानों को इस तकनीक के बारे में ट्रेन भी करते हैं। आज करणजीत के हौसलों से अन्य किसान भी अछूते नहीं हैं। यही कारण है कि करणजीत सिंह धालीवाल किसान समाज में मील के पत्थर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।